अस्सलाम वालेकुम। आज आपको फलाफल बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए 2 कप चने लिए थे। इनको पूरी रात पानी में भिगो दिया था और इनका पानी निकाल दिया है। आधा कप कटी हुई पार्सले, आधा कप कटा हुआ सब्ज़ धनिया, 12 जवे लहसुन के, 2 से 3 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चाय का चम्मच नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 2 से 3 ब्रेड स्लाइस, 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 से 3 खाने के चम्मच पानी। सबसे पहले ब्रेड स्लाइस को चॉपर में पीस लेंगे। अब इनको निकाल लेंगे। ब्रेड स्लाइस को पीस लिया है, अब इनको एक साइड पे रख देंगे। अब चॉपर में चने डालकर पीस लेंगे। इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच पानी डाल देंगे और इनको पीस लेंगे। चनों को पीस लिया है, अब इसमें प्याज, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन डालकर इनको भी पीस लेंगे। इसी में पार्सली और सब्ज़ धनिया डालकर पीस लेंगे। सब चीज़ों को पीस लिया है, अब इसमें पिसे हुए ब्रेड डालकर मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब इसमें काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद तिल, नमक, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, अब इनके बॉल्स बना लेंगे। इस तरह की सारी बॉल्स बना लेंगे। फलाफिल को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लिया है, अब इसमें फलाफिल को फ्राई कर लेंगे। फलाफिल को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फलाफिल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। फलाफिल को फ्राई करके सर्व कर दिया है। आप इसको तहनी सॉस या गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपके फलाफिल कैसे बने। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।